टैक्स के तौर पर मिलने वाली जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, इसकी बागनी सतना के हाट बाजारों में देखने को मिल रही है, आपको भी हम दिखाएंगे। और बता दें कि मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिले की करीब आधा सैकड़ों ग्राम पंचायतों में हाट बाजार स्वीकृत किए गए थे। हाट बाजार बनाने के लिए करीब 15 लाख रुपए के बजट का प्रावधान था और इसकी पहली किश्त के तौर पर ज्यादातर पंचायतों को 5 से 7.5 लाख रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए थे, लेकिन विभाग के अफसरों की ओर से इसके लिए मुफीद जगह का चयन नहीं किया गया, जिसका अंजाम यह हुआ कि हाट बाजार का ढांचा तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन व्यापारियों को यहां पर दुकान लगाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंसानी बस्ती से दूर होने की वजह से इक्का दुक्का ग्राहक ही बाजार में आते थे, जिसकी वजह से व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा था। जब इस मामले में जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सरकार का 15 लाख रुपए का बजट था, उसको बंदर बांट किया गया ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों ने। ये पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है। मैं उन्होंने इसके लिए बाकायदे पत्र लिखा है जनपद सीओ को, जिला सीओ को, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रेंगती है। पूरे सतना जिले में 41 हाट बाजार स्वीकृत हुए थे, जिसमें से आज दिनांक में 23 पूर्ण है और बाकी जो 18 बचे हैं वो अपूर्णता की स्थिति में है। मेन कारण अपूर्णता का जो है वो बजट का आवंटन है, जो सरकार से मिल नहीं रहा है।